अब रुख करते हैं बलूचिस्तान के शहर सिबी का, जहां पर पेट्रोलियम मसनूआत की कमी के बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा। सिबी जैकवाबाद रूट पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट के नया करारनामे जारी होने के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस बारे में जानते हैं बोल के नुमाइंदे मियां यूसुफ से, जो इस वक्त मुसाफिरों के साथ मौजूद हैं। यूसुफ बताइएगा, क्या कहना है मुसाफिरों का? बिल्कुल, अगरचे हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो कमी की गई है इस ज़मीन में, तो जो सिबी जैकबाबाद की जो ट्रांसपोर्ट है, इन्होंने आवाम को इस ज़मीन में किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया है। एक सवारी हमारे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप ये फरमाएं कि कितना किराया ले रहे हैं सिबी टू जैकबाबाद और आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने इनको आरटीए का जो है मोबाइल के जरिए व्हाट्सएप पर इसको लेटर भी दिखाया कि भाई आपका किराया है 400 रुपया, और इन्होंने कहा कि आप बैठे या ना बैठे मैं आप लोगों से 450 रुपया किराया ले लूँगा, और ये हमारे साथ जुल्म है। जब यह एक आरटीए का जो एक लेटर जारी है 19 तारीख से, इसी पर आज तीसरा चौथा दिन है, कोई अमल नहीं है कि इनका जो है लाइसेंस मंसूख किया जाए, ताकि इनको पता चले कि सवारी और जो है आवाम के साथ ये कितना जुल्म कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल यकीनन, आपने यहाँ पर इस मुसाफिर की बातें सुनी। यहाँ पर इनका ये कहना है कि सेक्रेटरी आरटीए की जानिब से किराए मुख्तस किए गए हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, और पेट्रोलियम कीमतों की में जो कमी की गई उसका बराह रास्त आवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।